भानपुर में शाम ढलने के बाद जब भी कोई बच्चा रोता है तब उसकी माँ उसे ये कहती है, बेटा चुप हो जा नहीं तो वो चुड़ैल आ जाएगी। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक माँ और उसके बच्चे की वो दर्दनाक कहानी है जो आज मरने के बाद भी अपने बच्चों की तलाश में भटकती है। एक तो ऐसे ही जंगल से घिरा सन्नाटे से पसरा एक सुनसान गांव है। इस गांव का इतिहास बताता है कि किसी चुड़ैल ने गांव वालों के कारण अपने जुड़वा बच्चे खो दिए। मिथुन, तेरा बहुत भाव बढ़ रहा है, इतने सुंदर दो जुड़वा बच्चे हुए हैं और अब तक दावत भी नहीं दी। अरे हाँ बाबा, दावत क्या, पूरा भंडारा करूंगा, लेकिन अभी तो बच्चे दुनिया में आए ही हैं। जरा सांस तो लेने दो, बहुत जल्द तुम सबको अपने घर दावत पर बुलाऊंगा। अरे मिथुन, ये सब ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त एक बात का खास ख्याल रखना, चाहे कुछ भी हो जाए अपने बच्चों को खुद से या अपनी पत्नी से दूर रखकर कभी मत सोना। तुझे इस गांव के उस चुड़ैल का किस्सा तो पता ही है ना? अखिल तू भी ना, हमेशा पनौती मारता रहता है, कभी तो शुभ बोल। और वैसे भी ये चुड़ैल वुड़ैल गांव वालों के दिमाग की बीमारी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मिथुन अखिल की बात को एकदम से नकारता हुआ वहां से अपने घर चला जाता है। उस रात मिथुन अपनी पत्नी रूपा के साथ अपने बेडरूम में सो रहा था, वहीं उसके दोनों जुड़वा बच्चे बेबी बकेट में लिविंग रूम में थे। उस रात रूपा को पहले अपने बेडरूम में किसी अजनबी के होने का एहसास हुआ और फिर उसे अपने लिविंग रूम में कुछ अजीब सा होता हुआ महसूस हुआ, जैसे कुर्सियों का अपने आप खिसकना और रूम की लाइट्स ऑन ऑफ होना। उस रात को रूपा ने नजरअंदाज कर दिया। अगली सुबह जब उसने अपने बच्चों की पालकी में झांका तो उसकी एक तेज चीख निकली, हे भगवान, मेरे बच्चे कहाँ गए? रूपा की चीख सुनकर मिथुन समेत उसके पड़ोसी भी वहां पहुंचे। अरे रूपा, सुबह सुबह इतनी तेज क्यों चिल्लाई? मेरे बच्चे पालने में नहीं है, कोई मेरे बच्चों को ले आओ, न जाने किसकी दुश्मनी थी मेरे नन्हे मासूम से बच्चों के साथ। हे भगवान, मैं तो लुट गई। रूपा बहुत जोर जोर से रोने लगी। तभी वहां मौजूद पड़ोसियों ने अपनी राय देना शुरू कर दिया। ये कांड जरूर उस चुड़ैल का है, ये जरूर उसी ने किया है। तुम लोगों को जरा भी अकल नहीं है? इतने से छोटे से मासूम बच्चों को खुद से अलग नहीं रखा करते। उस चुड़ैल को मौका मिल गया अपना शिकार करने का, ले गई बच्चे को। आप चुप रहेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं अभी कह रहा हूँ, ये चुड़ैल का काम नहीं है, जरूर किसी गांव वाले ने ही किसी दुश्मनी के चलते मेरा बच्चा अगवा किया है। अरे नहीं मिथुन, तुम समझ नहीं रहे हो, ये काम गांव वालों का हो ही नहीं सकता। वैसे भी ये कोई पहली बार नहीं हुआ है गांव में से कोई बच्चा गायब हुआ हो। हे भगवान, मैं तो लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरे बच्चे, वो कलमोही न जाने मेरे बच्चों के साथ क्या करेगी, कोई मेरे बच्चे मुझे वापस ला दो। रूपा और मिथुन दोनों अपने कल के हुए जुड़वा बच्चों के खो जाने के गम से पूरी तरह हताश थे। उन दोनों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उनका बच्चा उन्हें दोबारा वापस मिलेगा या शायद मिलेगा ही नहीं। रूपा और मिथुन को गांव वाले एक तांत्रिक के पास जाने की सलाह देते हैं। बताते हैं कि उस तांत्रिक के पास बहुत सी काली शक्तियां हैं जिसके जरिए वो इस बात का दावा कर सकता है कि खोया हुआ बच्चा इस वक्त किस हालत में है। ठीक उसी शाम वो दोनों गांव से सटे एक जंगल में तप कर रहे एक तांत्रिक के पास पहुंचते हैं
और उनके साथ हुआ हादसा पूरे विस्तार में बताते हैं। तुम लोग परेशान मत हो, बस तुम लोगों को जैसा कहता हूँ वैसा करते जाओ। तांत्रिक उन दोनों के हाथ में खोपड़ी देता है और उन्हें 10 मीटर की दूरी में दक्षिण दिशा में बैठकर आंख बंद करने को कहता है। वो दोनों तांत्रिक के कहे मुताबिक बिल्कुल वैसा ही करते हैं। रूपा, तुम्हें जब अपनी गोद भारी लगने लगे तो तुरंत अपने हाथ में रखे उस खोपड़ी को फेंक देना, और मिथुन, तुम्हें तब तक अपनी आंखें नहीं खोलनी है जब तक कि तुमसे कहा ना जाए। रूपा अपनी आंखें बंद किए हुए चुपचाप बैठी थी। वहां तांत्रिक लगातार अपने मंत्रों का उच्चारण कर रहा था कि तभी रूपा को एहसास होने लगता है जैसे कि उसकी गोद में वजन पड़ रहा हो। रूपा तुरंत से उस खोपड़ी को जमीन पर फेंक देती है और अपनी आंख खोलती है। उसे अपनी गोद खाली दिखती है। वो तुरंत उस तांत्रिक की तरफ देखती है। उसके तो होश उड़ जाते हैं। रूपा देखती है वो तांत्रिक और मिथुन एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, जहां मिथुन जोर जोर से हिल रहा है और वो तांत्रिक मिथुन के माथे पर खून का तिलक लगा रहा है। रूपा तांत्रिक से पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। तांत्रिक उसे चुप रहने का इशारा करता है और शांति से बैठे रहने को कहता है। तभी अचानक मिथुन के अंदर कोई औरत की आत्मा आ जाती है और फिर मिथुन बोलना शुरू करता है। ये जुड़वा बच्चे मेरे हैं। ये वही बच्चे हैं जिन्हें मैं सालों से इस गांव में ढूंढ रही थी। लेकिन तो इतना यकीन के साथ ये कैसे कह सकती है कि ये तेरे ही बच्चे हैं, जबकि गांव के अनेकों बच्चों को तूने अगवा करके मार दिया है। हाँ, ये सच है। मैं बच्चों को अगवा करती हूँ ताकि मैं परख सकूं कि क्या वो मेरी औलादें हैं, और जब मुझे पता चलता है कि वो मेरी औलादें नहीं है, तब मैं क्रोध में आकर उन्हें मार देती हूँ। लेकिन इस बार ये मेरी ही औलादें हैं और मैं इन्हें मारूंगी नहीं, बल्कि इन्हें अपने साथ लेकर इस गांव से दूर चली जाऊंगी। तुझे कैसे पता चला कि ये तेरे ही बच्चे हैं? इनका पुनर्जन्म हुआ है। अब इनके मिलने के बाद तू गांव छोड़कर क्यों चली जाएगी? मेरे जुड़वा बच्चों के गुमशुदा होने के बाद मैं पागल सी हो गई थी। मैंने गांव वालों से बदला लेने की ठानी। इसी बीच घोर तप से मुझे ये वरदान मिला कि मेरे बच्चों का जब भी पुनर्जन्म होगा उनके खून काले होंगे, और ये एक संकेत होगा कि वो मेरी ही संताने हैं। लेकिन इसकी शर्त ये थी कि मैं उन बच्चों को उनके जन्मदिन के 2 साल के होने तक ही छू सकती हूँ। इसके बाद मेरा उन पर कोई वश नहीं होगा। इसी वजह से जब भी गांव में से किसी के घर बच्चे होते तो मैं उसके घर के बाहर भटकती और इंतजार करती कब वो बच्चे उनसे दूर हो, और जैसे ही वो बच्चे कुछ समय के लिए अकेले बिछड़ते मैं उन्हें गायब कर देती। अब जब मुझे मेरे दोनों जुड़वा बच्चे मिल गए हैं तो अब मेरे जाने का समय हो गया है। वरदान के मुताबिक मैं इस गांव में तब तक ही रह सकती थी जब तक मेरे बच्चे मुझे नहीं मिल जाते। अब मेरी ममता की प्यास बुझ चुकी है, तो अब मैं जा सकती हूँ। इतना कहते ही मिथुन के अंदर से एक तेज हवा बाहर की तरफ निकलती है और मिथुन बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। वहीं रूपा भी ये सब देखकर बहुत रोने लगती है, और इसके साथ ही वहां कुछ गांव वाले भी पहुंचते हैं और रूपा को संभालते हैं। इस किस्से के बाद से फिर कभी भी वो चुड़ैल गांव में या कहीं भी गांव वालों को नहीं दिखती है। शायद उसे उसकी संतानें मिल गई हैं। इस वजह से उसकी ममता और उसका गुस्सा दोनों ठंडा हो गया है। लेकिन आज भी जब उस गांव में बच्चा रोता है तो उसकी माँ यही कहती है, चुप हो जा,
चुप हो जा वरना वो आ जाएगी।